ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के भविष्य और स्वभाव के बारे में जानने के कई तरीके बताए जाते हैं, जिनमें से एक तरीका है सामुद्रिक शास्त्र। इस शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे नाखूनों के आकार को देखकर आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुंडली टीवी पर। सबसे पहले बात करते हैं लंबे नाखून वालों की। ऐसे नाखून वाले लोग रोमांटिक होते हैं। ये बहुत रचनात्मक और कल्पनाशील होते हैं, किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। ऐसे जातकों को सतर्क रहना चाहिए जिससे आप धोखा ना खा जाएं। आगे बात करते हैं चौड़े नाखून की। जिनके नाखून चौड़े होते हैं वो किसी भी बात पर बहस कर सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर दिमाग से सोचते हैं, कम और आसान प्रयासों से ही सफलता पाने के इच्छुक होते हैं। गोल या अंडाकार आकार के नाखून, ऐसे लोग काफी सामाजिक होते हैं। इन्हें अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इनका संचार कौशल अच्छा होता है। ये लोग हर परिस्थिति में तुरंत ही ढल जाते हैं। चौकोर आकार के नाखून, ऐसे लोग किस्मत वाले होते हैं। ये मजबूत, शांत और गंभीर स्वभाव के होते हैं। काम और धन में इनकी किस्मत अच्छी होती है। ऐसे लोग अच्छे नेता बन सकते हैं। इनके अंदर नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है। बादाम के आकार के नाखून, ऐसे लोग एक नियंत्रित स्वभाव के होते हैं। ये ईमानदार, दयालु और मनमौजी होते हैं। ये किसी के साथ अन्याय होता नहीं देख सकते हैं। तलवार के आकार के नाखून, ऐसे लोग लक्ष्य उन्मुख होते हैं। जिस काम को करने की सोच लेते हैं उसमें सफलता पाकर ही दम लेते हैं। ये अपने लक्ष्य से कभी ध्यान नहीं हटाते। ये टीम वर्क वाले लोग नहीं होते हैं। जिन लोगों के नाखून लाल रंग के होते हैं वो बहुत क्रोधी होते हैं। छोटी छोटी बात पर उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। वहीं अगर व्यक्ति का पीला नाखून है तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और मेहनत करने से भी कतराते हैं। अगर व्यक्ति के नाखून बहुत छोटे हैं तो वो बचपन से ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन हर वक्त सतर्क रहते हैं। इनके अंदर हर चुनौतियों को पार करने की जबरदस्त क्षमता होती है। बताते चलें, शरीर में होने वाली किसी भी बीमारी का सबसे पहला चिन्ह नाखूनों पर ही दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बीमारी छुपाता है तो नाखूनों से इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे नाखून जल्दी सूख जाते हैं और गिर जाते हैं तो इससे थायराइड का पता चलता है। अगर नाखून क्रैक और पीले हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।